नमस्कार दोस्तों, तूफानी पहाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो रिसेंटली HPAS अलाइड का अभी प्री हुआ है जो कि 9 फरवरी को हुआ है। तो हमें आप लोगों से काफ़ी डिमांड आ रही है कि सर जल्दी से जल्दी इसकी मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाए। तो जो भी आप सबकी डिमांड थी उसी डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग आपके लिए मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो लेकर आए हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि मेंस के पेपर में आएगा क्या क्या, मेंस के पेपर में बेसिकली आपके तीन पेपर होते हैं। पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश कन्वेंशनल का, जो कि 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और इसकी ड्यूरेशन यानी कि 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। अगर मैं बात करूं दूसरे पेपर की, तो दूसरा एग्ज़ाम होगा आपका हिंदी का, वो भी 150 मार्क्स का होगा और उसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और तीसरा पेपर होगा जी आपका जनरल नॉलेज का, जो कि 200 मार्क्स का होगा और उसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि तीनों के तीनों पेपर जो हैं आपके वो सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि आपको किसी भी पेपर में कोई भी ऑप्शन नहीं दी जाएगी, आपको तीनों के तीनों पेपर्स में लिखना होगा। अगर मैं बात करूँ तीनों पेपरों में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बेसिकली आपकी जो मेन चीज़ें जो आपको करनी है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन करनी है यानी कि पैरा देख के आपको उसमें से आंसर फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ आती है जी प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसको कि शॉर्ट करके आपने अपने उसके बेस पे आपको पैराग्राफ बनाना है। उसके बाद आती है जी लेटर, आता है आपको एक लेटर लिखनी होगी, एक ऐसे लिखना होगा। और फिर आपके आता है बेसिक ग्रामर का पोर्शन, यानी कि सेंटेंस करेक्शन आएगी, फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे और सेंटेंस को बनाने के यानी कि मेक द सेंटेंसेस आएंगे। दूसरी बात करते हैं, बात है दूसरे पेपर पे यानी कि हिंदी के पेपर पे। तो हिंदी के पेपर में सबसे पहले तो आपको ट्रांसलेशन करनी है, यानी कि एक पैरा आपको इंग्लिश में दिया होगा उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। दूसरी चीज़ आती है जी गद्यांश को आपको समझाना है, यानी कि एक्सप्लेनेशन करनी है आपको गद्यांश के बारे में। फिर आएगा आपको एक कविता दी होगी जिसकी आपको व्याख्या करनी होगी। फिर आ जाता है जी आपका बेसिक ग्रामर में, यानी कि एक आपको निबंध लिखना होगा, कुछ आपको मुहावरे दिए होंगे और कुछ वाक्यों को आपको शुद्ध करके यानी कि वाक्यों का शुद्धिकरण करना होगा। फिर बात करते हैं हमारे तीसरे पेपर में यानी कि जनरल नॉलेज का पेपर। तो जनरल नॉलेज में जो बेसिक चीज़ आप पढ़ते हो यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो तो आपको करना ही करना है। पर इसके साथ साथ आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्या आता है, एक तो आपको हिमाचल प्रदेश पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि 1/3 ऑफ एग्जाम यानी कि 33% जो आपका पेपर आता है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर आता है। और अगर मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स के ऊपर, तो करंट अफेयर्स के ऊपर अगर आप पिछले कुछ पेपर्स को जो हमने एनालिसिस किया है, तो हमें पता चला है कि ज़्यादातर सवाल जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के बेस पे आ रहे हैं। और एक चीज़ जो इसमें कुछ स्पेशल है वो ये है कि आपको महात्मा गांधी की टीचिंग्स के ऊपर भी जो है काफ़ी फोकस करना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पेपर में आएगा, क्या क्या पेपर होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे टेस्ट सीरीज में बेसिकली हम आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो 15 मार्च 2020 से शुरू हो जाएगी और वो 3 मई 2020 तक चलेगी। अब इसमें हम लोगों ने 6 टेस्ट तो रखे हैं आपके जनरल स्टडीज के लिए और एक दो दो टेस्ट हमने रखे हैं एक इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो टोटल मार्क्स हमने लिखे हैं, जनरल स्टडीज का एग्जाम 200 नंबर का है, इंग्लिश का 150 और हिंदी का 150 नंबर का। तो जो भी हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे वो उसी पैटर्न पे प्रोवाइड करेंगे जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम्स आते हैं। तो अगर अब मैं बात करूं कि इस टेस्ट सीरीज को आप कैसे एनरोल, तो हमारे कोर्स की फीस है 4,000 रुपया। अगर आप हमें कंटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं tufanipahadi19@gmail.com, और आप हमें मोबाइल नंबर पे कंटेक्ट भी कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। हमारा मोबाइल नंबर है 7814622609। सो इसी के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेता हूं और आपको आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं।